और यहाँ पर मटन बिल्कुल पक कर के तैयार है, नली पीस भी है इसमें, गुर्दा है, कलेजी है। तो ये है विंटर का स्पेशल कुकर वाला मटन। तो यहाँ पर मैं सबका खाना निकाल रही हूँ। खाना में जो सिंपल हम लोग बिहारी लोग खाते हैं दिन का चावल रोटी वही है, और एक की जगह सब चार चार पांच पांच रोटी खाए जा रहे हैं और साथ में खाएंगे चावल। तो चलिए इसको देखते हैं कि हमने कुकर में किस तरह से बनाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज किचन। मैं हूँ लीना। मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, आ गई हूँ अपने किचन में। आज जो रेसिपी है वो लीनाज किचन में जाएगी। आज डेली ब्लॉग में ये रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। स्पेशल फूड जो है मेरे जितने भी फूडी लोग हैं उनके लिए आज मैं कुकर वाले मटन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अक्सर मैं कढ़ाई में दिखाती हूँ, कढ़ाई का जो मटन जो है ना आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मेरे नॉनवेज की रेसिपी पे, लेकिन आज मैं स्पेशल जो कुकर वाले मटन दिखाने वाली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो कुकर में पट से बनाए और मटन बन गया। तो मटन का बनाने का कुकर में जो प्रोसेस है मैं दिखाऊंगी, शुरू से कैसे मैं मैरिनेट करूंगी, उसमें मसाले का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कुकर में यम्मी मटन कैसे बनता है, क्योंकि विंटर का समय है तो विंटर के समय में मटन थोड़ा सा जल्दी नहीं पकते हैं। तो मैं कुकर में आज बनाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, मेरे नॉनवेज की रेसिपी पर आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और नए साल में एक जो है ना जितने भी फूड ब्लॉगर पटना के हैं मेरे मतलब रेसिपी लेकर के गए, तो उनके साथ फिर एक कोलैबोरेशन और मैं करूंगी, और वो है नॉनवेज की रेसिपी और बहुत ही यम्मी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। वो नॉनवेज की बहुत ही यम्मी रेसिपी होने वाली है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। तो आज लीनाज किचन में शेयर कर रही हूँ तो मटन की बहुत अच्छा प्रेशर कुकर वाले मटन, और उसके साथ बनाऊंगी रोटी चावल। तो उम्मीद है इस रेसिपी पर आप लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा, और नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आप लोग लाइक भी कर दो, और नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले इस तरह की और अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बनाते हैं कुकर वाले मटन। और मसाले में हमेशा की तरह जो हमारा मेजरमेंट रहता है, तो देखिए लहसुन अदरक काली मिर्च मैंने पीस के रखा था, ये स्पून से दो स्पून, एक चम्मच हल्दी है, ये तो अंदाज से है कि आप सब्जी या नॉनवेज बनाते हैं तो कितना हल्दी डालना चाहिए। धनिया है, ये देखिए स्पून का मेजरमेंट है, और ये है धनिया पाउडर, ये है गर्म मसाला पाउडर, ये है तीखी वाली लाल मिर्च, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, मेरी किचन की फेवरेट है सूखी लाल मिर्च 3 से 4, और तेज़पत्ता है, और सारे वोल स्पाइसेस हैं, मैं मेंशन कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मटन लेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल आप थोड़ा सा अंदाज से, यानी कि जो मैं स्पून दिखाती हूँ उससे दो स्पून आप डालिए। ये कुकर में इसलिए मैं कुकर में दिखा रही हूँ क्योंकि विंटर का मटन है, जल्दी कढ़ाई में भी नहीं पकता है, ऐसे तो मैं बनाती हूँ तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा विंटर में कहा जाता है कि जो कड़ा मटन है वो ना खाए, तो इसलिए मैं आज कुकर में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया, और इसी के साथ डालूंगी प्याज, देखिए जितने भी प्याज है वो डाल देना है। देखिए ये तो कटौती मेरे पास बड़ा भी है, लेकिन देखिए मैंने छोटा ले लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिलाएं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए मटन की बहुत सारी रेसिपी आप लीनाज किचन में देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी मैंने मटन की दी हुई है, डबल मटन फ्राई, चंपारण मटन, बहुत तरह की मटन की रेसिपी। तो जितने भी मसाले हैं, अब जितने भी मसाले हैं ना, तो ये सबको डाल देना है, लेकिन ये जो क्रश की है इसको छोड़ देना है, बाकी जितने मसाले हैं ना तो वो सबको डाल देना है। तो चलिए पहले इसको बीच में अलग से प्लेट में हम निकाल लेते हैं तो ईजी रहेगा, ये जो मसाले हैं ना तो इसको निकाल देते हैं तो मसाले डालने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। देखिए मटन बनाने का प्रोसेस तो एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा तड़का और जायका होता है ना, वो अलग अलग फ्लेवर में बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। मटन और ये सब में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टिप्स और क्वान्टिटी जो है ना वो सही मेजरमेंट आप रखें। तो सारे मसाले को चलिए इसमें डाल देते हैं। देखिए जितने भी मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, और एकदम हाथों से इसको मैरिनेशन करना है, मैरिनेट करना है। इसकी जो सबसे बड़ी जो टिप्स होती है ना, इसको इतना मैरिनेट करें, इतना मैरिनेट करें कि मटन बिल्कुल जो है ना एकदम मसाले के फ्लेवर में हो जाए। ये थाली है ना ऐसे रख लेते हैं, और खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। देखिए इसको करीब आधे घंटे तक जो है ना आप छोड़ दीजिए मैरिनेट करके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैरिनेशन का ख्याल रखिए कि इसको इतना मैरिनेट करना है कि जिससे सारे मसाले का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल मटन में चला जाए। और थोड़ा थोड़ा सरसों तेल फिर डालना है, फिर मैरिनेट करेंगे,
और इस तरह करके ना है ना 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा सरसों तेल डालते जाइए और मैरिनेट करते जाइए। तो ये जो मटन का स्वाद है ना बहुत आपको जो है ना खाने के जायका को बढ़ा देंगे। आप एक बार मेरे लीनाज किचन में विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी वेज नॉन वेज की रेसिपी है। और पटना के, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ, पटना के 2 फूड ब्लॉगर आए थे, जायका पटना का फूडी परिंदा जी और जीप चटोरा जी। तो एक रेसिपी उनको, उन लोगों को और देनी है मुझे, तो उन लोग के चैनल पे तो आप देखेंगे ही और मैं भी वीडियो अपलोड करूँगी। नॉनवेज की भी बहुत मस्त रेसिपी लेकर के आऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, नए साल में एक बहुत अच्छी नॉनवेज की रेसिपी बस उनके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पर चलिए हो गया है, और अब इसमें डालेंगे अंदाज से नमक। नमक देख ले आप लोग कितना तीखा खाना चाहते हैं, देखिए। नमक डालने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल फिर हम डालेंगे, जिसमें नमक जो है ना पूरी तरह से सरसों के तेल में घुल जाए। और फिर अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा सरसों तेल और हम डालेंगे, थोड़ा सा सरसों तेल, देखिए थोड़ा सा सरसों तेल और हम डालेंगे। आज देखिए खिली खिली धूप भी निकली है, तो आज बड़ा मन कर गया कि मटन चावल का क्यों ना जायका लिया जाए। तो चलिए फिर से अच्छी तरह से इसे हम मिलाएंगे। बस मैरिनेट का ख्याल रखिए कि इतना मैरिनेट करना है कि बिल्कुल जो है ना मटन में मसाले का स्वाद हमें पहले लाना है, बस यही जो है ना थोड़ा ट्रिक है ये वाले कुकर वाले मटन का। तो चलिए इसको ढाँक करके, अगर टाइम है तो आधे घंटा छोड़ दीजिए, अगर नहीं टाइम है तो इसका हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए हो गया है, अब यहाँ पर हम कुकर चढ़ा दिए हैं, तो चलिए गैस का फ्लेम हम ऑन करते हैं। अब देखिए कुकर गर्म हो गया है, तो अब डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और देख लीजिए कि कितना आप लोग तेल खाना चाहते हैं। धूप भी बहुत अच्छी खिली खिली निकली है, तो जल्दी जल्दी मटन चावल बनेगा, सब लोग खा करके आज जो है ना धूप का आनंद लिया जाएगा। और जितने भी मटन है तो मटन को डाला जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कुकर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो छोटा नहीं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा है। और चलिए इस तरह से हम धीरे धीरे जितने भी मटन को है ना डालते जाएंगे। देखिए कढ़ाई तो मैं अक्सर दिखाती हूँ कि मटन को बस डाल करके सीमा में छोड़ देना है, तो इसका थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ फिर। चलिए सारे मटन को हम डाल देंगे, और जितने भी ये मसाले के ये जो है ना, देखिए ये सारे जो है हमने पोछ के डाल दिया। तो चलिए ये जो कठौती के मसाले हैं ना, तो उसको बस थोड़ा सा रहने दीजिए, जब ग्रेवी लगाएंगे तो उसी में हम लगाएंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमको चला लेना है। थोड़ा सा मेरा कुकर छोटा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, ये जो प्याज है ना वो प्याज सारे गल जाएंगे, जितना भी प्याज। उसके बाद चावल ऑलरेडी बन गए हैं, और यहाँ पर मैंने सलाद भी काट लिया है। सलाद में देखिए बस प्याज है, और ये मूली का पत्ता जो है इसको सलाद में ज़रूर खाइए। और यहाँ पर चलिए मटन भी चला रहे हैं, बस 5 मिनट हमें तेज आंच पे ही भूनना है इसे। और आज का जो पीस है ना बिल्कुल चाप पीस है, और इसमें गुर्दा कलेजी नहीं है, है ना, तो गुर्दा कलेजी भी है। देखिए अभी तेज आते ही अभी भुना जा रहा है इसके बाद। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए ये तेल जो है ना सेपरेट होने लगे हैं और प्याज भी गलने लगे हैं। तो इसी तरह करके फिर से हम ढक्कन लगा देते हैं, और ढक ढक करके हमें प्याज को गलाना है। अब चलिए 5 मिनट और हो गए हैं, अब देखते हैं प्याज गल रहा है। तो चलिए इसको चलाते हैं, देखिए प्याज जो है ना आधा गल गया है, तेल छोड़ने लगा है। तो चलिए इसको फिर से चला देते हैं। अच्छी हो गया है, इसको चला करके भूजेंगे थोड़ा। अच्छा ठीक है, भूजिए। अब देखो ये अभी थोड़ा गर्म नहीं है, हाँ, अभी से बहुत करके पानी डाल करके सीटी लगा देंगे। ठीक, चलिए भूजिए।
तेल छोड़ दिया आपने, है ना, तेल छोड़ दिया। अभी इसे भूज के पानी डालेंगे बोल दो। अब इसमें डालेंगे हम गरम पानी, देखिए तो पानी कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालें। हमेशा आप जो मटन बनाए ना कढ़ाई में भी बनाए तो गर्म पानी डालें, इतना विंटर के समय आप जरूर ख्याल रखें। और इसे अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। चलिए अब कुकर का जो है ढक्कन हम लगा देते हैं। देखिए नली पीस जो है, देखिए नली पीस भी इसमें, अब कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं। तो चलिए कोई भी नॉनवेज की रेसिपी जो है ना तो हम और मिस्टर वर्मा मिलके ही बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुकर का ढक्कन, कितना सीटी लगाइएगा, सीटी कितना लगाइएगा इसमें, चार पाँच सीटी लग जाएगा ना, विंटर का मटन है। तो चलिए इसको तेजी आँच में ना, ना मीडियम आँच में, तो ये गल जाएगा मीडियम आँच में, चार पाँच सीटी ना मीडियम आँच में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स दो ही सीटी हम लगाएंगे, चार पाँच सीटी में हलवा हो जाएगा ये। सेट करने दो ना। हाँ सेट हो गया है। तो चलिए तो देखिए दो सीटी लग गया है, अब जो है बंद कर देते हैं गैस। यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल सादा रोटी चावल। और अक्सर जो है ना हम लोग दिन के खाने में सादा रोटी, मटन बनाते हैं तो सादा रोटी ज़रूर बनाते हैं, गर्मा गर्म रोटी। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आंटी आपकी रोटी टेढ़ा है, तो देखिए आज मैं गोल रोटी बना रही हूँ और हड़बड़ में टेढ़ा हो गया था उस दिन, तो आज गोल गोल रोटी है। तो रोटी मटन पहले खिला दूँगी, उसके बाद फिर बाद में चावल दूँगी। तो चलिए कुकर खोल करके देखते हैं। देखिए बहुत ही यम्मी मटन बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं और गर्मा गर्म मटन का इंजॉय करते हैं। आप लोग भी इस तरह से बनाइए विंटर में और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। देखिए रोटी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ और मिलती हूँ अभी एक बहुत ही अच्छे जो है ना नॉनवेज की रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए खाना को और कमेंट्स का जवाब ज़रूर दीजिए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरी आज की रेसिपी कैसी बनी है। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।